जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सब। और ये अंकिता जी हैं जो कनाडा से आई हैं गुरुजी से मिलने के लिए। इनके भाव देखो, दूसरी कंट्री से आई हैं, रहने वाले तो हमारे इंडिया के ही हैं, और इनसे मिलवाते हैं। ये दरबार में आके इनको कैसा लगा और हमारे बालाजी की कृपा यूट्यूब चैनल से जुड़ के इनको कैसा लगा है? चलो इन्हीं से पूछते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम विशाल जी, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। आप बताइए अपने बारे में कुछ, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या सब कुछ बताइए। मैं कनाडा से आई हूँ और यहाँ पे मैं गुरुजी से मिलने आई थी, साथ में एक काम था, बट ऐसी इच्छा थी कि इस बार मुझे गुरुजी मिल सके, तो मैं दरबार में आने की कोशिश करी, जो भगवान की कृपा से हो गई फिनिश। गुरुजी से बात करा तो बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अब, और ऐसा लग रहा है कि अब पक्का सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गुरुजी से जुड़ी थी मैं कम से कम 3-4 साल पहले। अब रहते कहाँ हो? मैं रहती कनाडा में हूँ, पर हूँ मैं गुजरात से। ओके ओके ओके। तो गुरुजी से 3-4 साल पहले जुड़ी थी, तब मैं ऐसा नहीं बोल सकती मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ और समथिंग, बट मैं बालाजी में मानती थी। मेरे मतलब कितने सालों से मोबाइल में हमेशा उनका ही वॉलपेपर रहता है, कभी किसी का नहीं आता, मेरे बच्चों का भी नहीं आता, किसी का भी नहीं, बस वो मेरे साथ है तो कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा पूजा पाठ कुछ नहीं जानती थी, पर जब से मैं गुरुजी की चैनल से जुड़ी हूँ धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि अच्छा ये कैसे करना है, क्या करना है, मुझे पूजा करने के सही तरीके, सही अर्थ पता चले हैं। और अब ऐसा हो गया कि मैं कहीं भी जाती हूँ और मैं अगर 2-4 चीज़ें बोल दूँ, हाँ तो 2-4 चीज़ें बोल दूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे आपको तो बहुत ज्ञान है, पर मैंने मुझे सब कुछ गुरुजी से ही मिला है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरी इन चार आपने बुक लिया, मैंने कनाडा आया क्या? हाँ, बुक अच्छे से पहुँची, मेरी बुक आपकी वजह से बहुत अच्छे से पहुँच गई कनाडा। वो मेरे गुरु की और मेरे बालाजी की कृपा से, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ उनका, मेरी कुछ नहीं, उनकी कृपा से और आपकी मेहनत से पहुँची। मेहनत मेरी बता सकते हो, पर करने वाले वही हैं, मेरे गुरु का आशीर्वाद और बालाजी का। मुझे बुक वहाँ पहुँची, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे बुक में क्या पार्ट करना है, तो मैंने ये सोचा कि मैं मेरी मर्जी आए वो पार्ट शुरू करती हूँ, एटलीस्ट कहीं ना कहीं भगवान का और बालाजी का या गुरु जी का कहीं ना कहीं इशारा मुझे मिलेगा कि तुम्हें ये पार्ट करना चाहिए, ऐसा सोच के मैंने शुरू करा था। तो मैंने उसमें से एक पार्ट शुरू करा, मैंने सोचा मैं बचन बांध करती हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी ज़्यादा तकलीफें हैं, ऐसा नहीं है कि मैं करना चाहती हूँ, बट मैंने शुरू करा। उसके 3 दिन में मुझे सपने में गुरुजी आए और मुझे इशारा मिला, और गुरुजी ने मतलब वहाँ बहुत सारे लोगों से, मैं ऑलरेडी गिरी हुई थी, और गुरुजी ने मुझे बचाया उसमें से, और फिर उन्होंने मुझे कुछ मंत्र बोले कि तू ये कर, तो उन्होंने मुझे जंजीरा मंत्र बोला, जंजीरा मंत्र आप ये करो, उन्होंने सपने में आके मुझे बोला, तो मुझे समझ में आया कि मुझे ये मंत्र गुरुजी ने बोला है और उनकी आज्ञा है कि ये करो। यहाँ आने तो, से पहले आपकी बात कैसे हुई मुझसे और क्या बातें हुई, वो बात पूरी हुई है नहीं हुई है आपको दरबार में आके, कैसा लगा, कोई सेवा में कमी या गुरु जी को कुछ संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? जी जी नहीं, बिल्कुल कमी नहीं है, मैं तो मतलब लाइक समझ ही नहीं पा रही हूँ, अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पहुँच के गुरुजी से मिलती हूँ और सब कुछ विशाल जी ने पॉसिबल करवाया है, क्योंकि मैं उनसे मुझे मत बोलो, मेरे गुरु को बोलो या मेरे बालाजी को बोलो, क्योंकि मुझे 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 गुरुजी ने मिलवाया है, बालाजी ने मिलवाया नो डाउट, पर आपकी वजह से मैं उनको मिल पाई, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, मुझे पता नहीं था यहाँ कैसे आना है, क्या करना है, आपने मुझे थोड़ा गाइड करा और मैं आपके भरोसे यहाँ पे पहुँची कि भाई नहीं वहाँ पे मुझे मिल जाएंगे गुरुजी, और ऐसे करके मैं पता नहीं 6-7 चीज़ें चेंज करती करती मुश्किल से जर्नी करते यहाँ पहुँची, और यहाँ के विशाल जी ने मुझे अच्छे से गाइड करा और कोई सेवा में कमी नहीं है, उल्टा मुझे फील हो रहा है कि मुझे भी इस सेवा का हिस्सा जितना हो सके उतना बनना चाहिए। मैसेज गुरुजी के लिए छोड़ना चाहोगे 2 मिनट में? गुरुजी के लिए मैं तो कौन होती हूँ मैसेज छोड़ने वाली, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि भगवान गुरुजी को और ज़्यादा ही ज़्यादा शक्ति दे कि लोगों की और सेवा कर सके, क्योंकि हमारे बस में तो है नहीं कि हम लोगों की इतनी सेवा कर सकें, पर वो जो कर रहे हैं तो मैं बहुत उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, और मैं भगवान से प्रे करूँगी, बालाजी से, कि उनको और शक्ति दे। जय श्री राम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप यहाँ पे आए, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम।